मच मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल हमने इंपोर्ट प्रोसीजर ख़त्म किया था और इंपोर्ट प्रोसीजर के साथ हमने असेसमेंट की डेफिनेशन को समझा था। आज इस डेफिनेशन वाले पोर्शन में से हम कुछ और चीज़ें करेंगे एंड तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपके बेसिक्स वाले चैप्टर में फर्स्ट पेज पे आपको एक और डेफिनेशन मिलेगी, दैट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अभी है ना, इसको हम इस तरीके से समझें कि सीबीआईसी, सीबीआईसी इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है दैट इज सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स। अभी जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स है वो खुद तो सारे काम नहीं कर सकता, तो सीबीआईसी क्या करेगा, अपनी पावर डेलीगेट करेगा अथॉरिटीज में, ठीक है। और अपनी पावर डेलीगेट करेगा अथॉरिटीज में और यहां पे दो तरीके की अथॉरिटीज हमारे सामने आएगी, एक होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, और दूसरी होगी अपीलेट अथॉरिटी। एक होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक होगी अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। अभी क्या फर्क होता है एडजुडिकेटिंग और अपीलेट अथॉरिटी में? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर्स पास करती है, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाके हम अपील नहीं कर सकते, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके हम अपील कर सकते हैं। यानी अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से आप परेशान हैं और अगर वो ऑर्डर आप नहीं मानना चाहते तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाकर अपील कर सकते हो, ठीक। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लॉ कैसे डिफाइन करता है? कोई भी ऐसी अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी विच इज़ कम्पिटेंट टू पास एन ऑर्डर और डिसीजन, मतलब जो अथॉरिटी आपको ऑर्डर या डिसीजन दे सकती है दैट इज़ कॉल्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में बोर्ड, बोर्ड का मतलब सीबीआईसी, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब में बोर्ड, सीबीआईसी या कमिश्नर अपील्स या अपीलेट ट्रिब्यूनल शामिल नहीं होता। यानी जब भी हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डिफाइन करेंगे तो उसमें से सीबीआईसी को, कमिश्नर अपील्स को और अपीलेट ट्रिब्यूनल को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को या कमिश्नर अपील को हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोलते हैं, हम इनको अपीलेट अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। ये आप यहां से यहां तक हटा दीजिए। बाकी अगर इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। कोई कुछ पूछना चाहता है? नो मैम। ओके, चलिए। तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक बार आपके सीएमए इंटर में एग्जाम्स में डेफिनेशन आ चुकी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की, ठीक। अब इस डेफिनेशन वाले चैप्टर में हमारी एक डेफिनेशन जो रिमेनिंग है वो है हमारी फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट, ठीक। पेज नंबर मिलेगा आपको 171 पे, फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट, ठीक है। नाम से क्या लगता है? फॉरेन जाने वाला वेसल या एयरक्राफ्ट, क्या बोल रही हूं मैं, फॉरेन जाने वाला वेसल या एयरक्राफ्ट, नाम से ऐसा लगता है दिस इज फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। लेकिन
फॉरेन गोइंग और वेसल एयरक्राफ्ट टू सबसेक्शन 21 की डेफिनेशन में केवल जाने वाला वेसल या एयरक्राफ्ट शामिल नहीं है। फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को कैसे डिफाइन किया गया? बोला कोई भी ऐसा वेसल या एयरक्राफ्ट, कोई भी एनी वेसल और एयरक्राफ्ट जो कि गुड्स या पैसेंजर्स को, किसको, गुड्स या पैसेंजर्स को लाने या ले जाने में इंगेज है। किसमें इंगेज है? गोइंग और कमिंग, लाने या ले जाने में इंगेज है कोई भी ऐसा या वेसल या एयरक्राफ्ट, किसको, गुड्स और पैसेंजर्स को। ठीक है, कहां से लाना, कहां से ले जाना? इंडियन पोर्ट और एनी पोर्ट और एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के किसी कस्टम स्टेशन से, इंडिया के किसी पोर्ट या एयरपोर्ट से, इंडिया के बाहर किसी पोर्ट या एयरपोर्ट के बीच में लाने या ले जाने में, गुड्स या पैसेंजर को लाने ले जाने में कोई वेसल या एयरक्राफ्ट लगा हुआ है तो उसे कह देना फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट। ये दो लाइन पढ़ के देखिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आज पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले जब आपने बताया था तो सुप्रीम अथॉरिटी और सीबीएसई के पास ही है ना? सुप्रीम अथॉरिटी नहीं, दैट इज वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। यानी अगर हम ये कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड सारी पावर सीबीआईसी को दे दी, ठीक है, अभी सीबीआईसी पावर को डेलीगेट करेगा, कुछ पावर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा, कुछ पावर अपीलेट अथॉरिटीज को देगा। ओके, तो फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होगा मीन्स वाला पार्ट और एक होगा इंक्लूड्स वाला पार्ट। फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन के मीन्स वाले पार्ट में क्या है? मीन्स वाले पार्ट में ये, गुड्स और पैसेंजर को लाने ले जाने में अगर कोई वेसल एयरक्राफ्ट लगा हुआ है इंडिया से, इंडिया के बाहर, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट। इंक्लूड्स यानी इसके अलावा फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन में और क्या क्या चीजें शामिल होगी और क्या क्या इंक्लूड होगा, तो बोला कि इसके अलावा फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट में क्या इंक्लूड करना है। पहली चीज क्या इंक्लूड करना है? कभी कभी आपने देखा है कि से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका और इंडिया का एक ही व्यू है, वो दोनों साथ साथ आ गए थे कि भाई चाइना ने ये कोरोना वायरस फैलाया है, ठीक है, तो अगर चाइना से युद्ध होता है तो अमेरिका ने कहा कि भाई इंडिया में आपका साथ दूंगा। ओके, अब अमेरिका इंडिया का साथ तो देगा, लेकिन उन दोनों को मिलके, अमेरिका और इंडिया दोनों को मिलके क्या करनी पड़ेगी? वॉर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि कुछ नेवल वेसल या एयरक्राफ्ट जो कि किसके हैं? फॉरेन गवर्नमेंट के। कोई भी नेवल वेसल जो किसका है? फॉरेन गवर्नमेंट का। और वो किस में भाग ले रहा है? नेवल एक्सरसाइज में, युद्ध का अभ्यास कर रहा है। क्या कर रहा है? युद्ध का अभ्यास कर रहा है। कोई भी ऐसा फॉरेन गवर्नमेंट का वेसल जो नेवल एक्सरसाइज में लगा है हम उसको क्या कहेंगे? फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट। अब ना तो ये गुड्स को ले जा रहा है, ना पैसेंजर्स को ले जा रहा है, ना गुड्स को ला रहा है, ना पैसेंजर को ला रहा है, लेकिन फिर भी फॉरेन गोइंग वेसल की डेफिनेशन में इसको शामिल किया गया अगर फॉरेन गवर्नमेंट का नेवल वेसल नेवल एक्सरसाइजेस में लगा हुआ है। ये इसमें कोई बात, इसमें कोई दिक्कत? No, ma'am. अगली चीज, ठीक है, कोई भी ऐसा वेसल जो कि ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया और ये TWI और ये EEZ, ठीक है, कोई भी वेसल यहां पे खड़ा है और फिशिंग ऑपरेशंस में लगा है, ठीक है, बताइए वो इंडिया में खड़ा है या इंडिया के बाहर खड़ा है? इंडिया में। वेरी गुड, इंडिया में खड़ा है, ठीक है।
डेफिनेशन ने बोला कोई भी वेसल जो TWI के बाहर, कहां पे TWI के बाहर किस में लगा हुआ है, फिशिंग ऑपरेशंस में, कोई भी वेसल जो TWI के बाहर फिशिंग ऑपरेशंस में लगा है, ठीक है, अब बताइए इंडिया में खड़ा है इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है, वेरी गुड, इंडिया के बाहर है। तो बोला कि कोई भी वेसल जो कि TWI के बाहर खड़ा होके फिशिंग ऑपरेशंस में लगा है उसे क्या कह देंगे, फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट। क्या ये गुड्स को ला रहा है, ले जा रहा है, नहीं। क्या ये पैसेंजर को ला रहा है, ले जा रहा है, नहीं। लेकिन फिर भी इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या कहती है कि TWI के बाहर अगर कोई वेसल खड़ा होकर नेवल एक्सेस फिशिंग ऑपरेशंस में लगा हुआ है, TWI के बाहर फिशिंग ऑपरेशंस में, तो उसको फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट आप कह सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर वेसल खड़ा है और ऑयल एक्सप्लोरेशन में लगा हुआ है, EEZ के बाहर एक वेसल खड़ा है और ऑयल एक्सप्लोरेशन में लगा हुआ है, बताइए इंडिया में है इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है क्योंकि EEZ के बाहर है। तो कोई भी वेसल ऑयल एक्सप्लोरेशन में लगा हुआ है, इस ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर लिख लीजिए आउटसाइड EEZ, यानी अगर फिशिंग ऑपरेशंस में लगा है तो TWI के बाहर और ऑयल एक्सप्लोरेशन में लगा है तो EEZ के बाहर, अगर ऐसा कोई वेसल है तो उसे फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट मान लेंगे। इस दूसरे पॉइंट को पढ़िए और कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट दूसरे पॉइंट में? बढ़े आगे। तीसरा पॉइंट, इसके अलावा फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट में और क्या शामिल होगा, कोई भी वेसल, ये हमारा इंडिया, ठीक है, कोई भी वेसल इंडिया के बाहर प्रोसीड कर रहा है, क्या कर रहा है, इंडिया के बाहर प्रोसीड कर रहा है, इंडिया से जा रहा है फॉर एनी पर्पस, एनी पर्पस मतलब विश्व शांति रथ, ठीक है, ये किसी भी हेल्पिंग हैंड के लिए जा रहा है, कोई अवेयरनेस के लिए जा रहा है, किसी भी काम के लिए अगर कोई वेसल विच इज प्रोसीडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर एनी पर्पस, ठीक है, कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट विच इज प्रोसीडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर एनी पर्पस उसको भी आप फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट कह सकते हो। तो किसको बोला मैंने, कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट जो गुड्स या पैसेंजर्स को लाने ले जाने में लगा है, या फॉरेन गवर्नमेंट का नेवल वेसल जो नेवल एक्सरसाइज में लगा है, TWI के बाहर फिशिंग ऑपरेशन, या EEZ के बाहर ऑयल एक्सप्लोरेशन में, या किसी भी पर्पस के लिए कोई वेसल या एयरक्राफ्ट आउटसाइड इंडिया प्रोसीड कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक, अब ये फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट को पढ़ने का फायदा क्या है, या क्यों हम ये फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट के बारे में बात करते हैं? तो बोले कि फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन इसलिए बताई गई कि अगर आपने किसी भी वेसल को, हमने बोला अगर हमने किसी भी वेसल को फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया और अगर कोई भी स्टोर्स या कोई भी सामान इस फॉरेन गोइंग वेसल को सप्लाई किया गया तो भी इसे क्या मानेंगे, एक्सपोर्ट। कोई भी, क्या देखिए क्या लिखा है, कोई भी स्टोर्स
कोई भी स्टोर आइटम अगर फॉरेन गोइंग वेसल को सप्लाई किया जाएगा तो इसे आपको एक्सपोर्ट मानना है और एक्सपोर्ट रिलेटेड सारे बेनिफिट इसको भी मिलेंगे, इसलिए हम फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को पढ़ते हैं। कोई डाउट है क्या डेफिनेशन में, कंसेप्ट में, तो पूछिए। मैम सेकंड पॉइंट बोल दोगे एक बार? हाँ, सेकंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी वेसल अगर टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के बाहर खड़ा है ना, कोई भी वेसल अगर टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के बाहर खड़ा है और क्या कर रहा है, फिशिंग ऑपरेशन, तो इसे फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट बोलेंगे, ठीक है। या कोई भी वेसल जो कि TWI के बाहर खड़ा है और सॉरी कोई भी वेसल जो कि EEZ के बाहर खड़ा है और ऑयल एक्सप्लोरेशन में लगा हुआ है तो भी उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट। EEZ के बाहर ऑयल एक्सप्लोरेशन, TWI के बाहर फिशिंग ऑपरेशन, तो भी उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट। यानी ये तीनों पॉइंट कैसे हैं जहां पर वेसल या एयरक्राफ्ट गुड्स या पैसेंजर को न तो ला रहे हैं न ले जा रहे हैं, फिर भी हमने उन्हें फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया है। क्लियर? ओके, चलिए ये पढ़िए। ट्रांजिट गुड्स, मैंने आपको समझाया भी था, कोई सामान आया बिना इंडियन पोर्ट पे अनलोड हुए, वेसल में ही पड़ा है और आगे निकल गया, इंडिया में आते हैं लेकिन बिना अनलोड हुए आगे चले जाते हैं, मतलब ये वेसल आया, इस वेसल में गुड्स पड़े हैं, अनलोडिंग नहीं हुई और ये वेसल आगे चला गया, तो ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं, ट्रांजिट गुड्स। इन्हें बॉटम गुड्स या बॉटम कार्गो भी कहा जाता है। ये पढ़िए और मुझे बताइए कोई डाउट है क्या। नो मैम। अच्छा, अब ये बताइए क्या ट्रांजिट गुड्स के लिए बिल ऑफ एंट्री चाहिए क्या? क्या ट्रांजिट गुड्स के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी क्या? नो मैम। ठीक है। क्या ट्रांजिट गुड्स के लिए एंट्री इनवर्ड लेनी पड़ेगी क्या? लेनी पड़ेगी। नमन, व्हाई वी टेक एंट्री इनवर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग एंट्री इनवर्ड, क्या होता है एंट्री इनवर्ड? नमन तुम वन व्रत में चले गए। मैम गुड्स को अनलोड करते हैं जब सीओटी ना एंट्री इनवर्ड प्रॉपर ऑफिसर से लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है एंट्री इनवर्ड? उसको अनलोड कराते हैं। अनलोड कराते हैं तो ट्रांजिट गुड्स के लिए एंट्री इनवर्ड चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ठीक है। क्या ट्रांजिट गुड्स पे ड्यूटी का पेमेंट होगा क्या? ड्यूटी देनी पड़ेगी क्या? नो मैम। क्या ट्रांजिट गुड्स के लिए अराइवल मैनिफेस्ट फाइल होगा क्या? क्या ट्रांजिट गुड्स के लिए अराइवल मैनिफेस्ट फाइल होगा क्या? मैम। और कोई? कृष्ण गोपाल। यस मैम, होगा। होगा मैम। होगा मैम।
अराइवल मैनिफेस्टो फाइल होगा आईजीएम में, तो सारी कहानी होती है वेसल के बारे में, ठीक है। जब गाड़ी में आप कहीं पे जाते हो, बोले कितने लोग हो गाड़ी में, तो ड्राइवर को एक्सक्लूड करके बताते हो या इंक्लूड करके बताते हो? इंक्लूड करके। इंक्लूड करके। क्या ड्राइवर भी आपके साथ उतर के मेहमान बन के चला जाता है क्या अगले के घर में? नो मैम। तो गाड़ी में बैठा रहता है ना? यस मैम। तो ये ट्रांजिट गुड्स गाड़ी का ड्राइवर है जो गाड़ी में ही बैठा रहेगा और आगे चला जाएगा, लेकिन जब सीट की गिनती गिनेंगे तो उसको भी शामिल करेंगे ना। तो अराइवल मैनिफेस्ट में तो ट्रांजिट गुड्स की भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट ट्रांसशिप्ड गुड्स क्या होते हैं? जो अनलोड तो होते हैं लेकिन ना तो हमें उन्हें वेयर हाउस के लिए क्लियर करना है ना होम कंजप्शन के लिए, फिर उनका क्या करना है, किसी दूसरे वेसल में बैठ के अगले डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, या तो इंडिया में ही किसी दूसरे पोर्ट पे या आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ट्रांजिट और ट्रांसशिप गुड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? ट्रांजिट गुड्स अनलोड नहीं होते जबकि ट्रांसशिप गुड्स अनलोड होते हैं। अब मुझे बताइए, क्या ट्रांसशिप गुड्स के लिए बिल ऑफ एंट्री चाहिए क्या? यस मैम। किसने बताया आपको? मैंने तो नहीं बताया था ऐसा, मैंने आपको एक चित्र बनवाया था जिसमें क्लियरली लिखा था कि बिल ऑफ एंट्री किसके लिए चाहिए होती है? होम कंजप्शन और वेयर हाउस के लिए। तो क्या ट्रांसशिपमेंट के लिए बिल ऑफ एंट्री चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या ट्रांसशिप गुड्स के लिए एंट्री इनवर्ड चाहिए? नमन, ट्रांसशिप गुड्स के लिए एंट्री इनवर्ड चाहिए? चाहिए, क्योंकि अनलोड तो करना है। क्या ट्रांसशिप गुड्स पे ड्यूटी लगेगी? नो मैम। क्या ट्रांसशिप गुड्स को अराइवल मैनिफेस्ट में मेंशन करना जरूरी है? यस मैम, जरूरी है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? चलिए, तो ट्रांसशिप गुड्स के लिए बिल ऑफ एंट्री तो नहीं चाहिए, लेकिन वो सामान कस्टम एरिया में तो रखा है ना, कस्टोडियन की कस्टडी में तो उतार के अनलोड करके रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो ट्रांसशिप गुड्स के लिए जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है उसे कहते हैं बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। लिख लीजिए आप भी, ट्रांसशिपमेंट के लिए क्या फाइल होता है? बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ओके, आगे बढ़े। चलिए, एक हमारे गुड्स, अब हमारे हम एक और गुड्स का नाम लेंगे जिन्हें कहते हैं कोस्टल गुड्स। अब ये कोस्टल गुड्स का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारा इंडिया, ठीक है, हमारा भारत महान, और ये हो गया हमारा TWI एंड दिस इज अ मुंबई कस्टम पोर्ट। वेसल में गुड्स आया, गुड्स अनलोड हुआ, अनलोड होने के बाद क्लियरेंस ऑर्डर मिला फॉर होम कंजप्शन। इसका मतलब क्या? इन गुड्स पे ड्यूटी पे हो चुकी है या स्टिल टू बी पेड है? होम कंजप्शन के क्लियरेंस ऑर्डर मिलने का मतलब ड्यूटी पेड, ठीक है, ड्यूटी पेड हो गई। ओके, अब एक बात बताइए, इन गुड्स को, ये जो ड्यूटी पेड गुड्स हैं, इन गुड्स को मुझे चेन्नई पोर्ट पे पहुंचाना है, क्या तरीका है? चेन्नई पोर्ट पे इन सामान को कैसे पहुंचा सकती हूं मैं? ये जो गुड्स मुंबई कस्टम पोर्ट से अनलोड होके ड्यूटी पे करके निकले हैं, इन गुड्स को मुझे चेन्नई पोर्ट पे पहुंचाना है, कैसे पहुंचा सकती हूँ, क्या तरीका है पहुंचाने का? मैम, रोडवे के जरिए। रोड के थ्रू?
पानी वेसल्स के थ्रू, पानी के थ्रू, यस मैम, पानी के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुंबई कस्टम पोर्ट से ये गुड्स एक वेसल में लोड होंगे और पहुंचेंगे चेन्नई पोर्ट पे। ये जो गुड्स इस वेसल में पड़े हुए हैं और मुंबई कस्टम पोर्ट से चेन्नई पोर्ट पे जा रहे हैं, ये मुझे बताइए ये गुड्स इंपोर्टेड गुड्स हैं या ड्यूटी पेड गुड्स हैं? इंपोर्टेड नितिन, ये इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड गुड्स हमें किसे कहते हैं? जो ड्यूटीएबल होते हैं वो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं। क्या ये ड्यूटीएबल है? क्या ड्यूटी पेड है? ये तो ड्यूटी पेड गुड्स हैं। अगर मुंबई कस्टम पोर्ट से आपको होम कंजप्शन के लिए क्लियरेंस ऑर्डर मिल गया, तो इस वेसल में पड़े हुए गुड्स, जो वेसल मुंबई पोर्ट से चेन्नई पोर्ट पे जा रहा है, उस वेसल में पड़े गुड्स कैसे हैं? ड्यूटी पेड गुड्स हैं, दे आर नो मोर इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए मुंबई में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, मुंबई में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है ना, इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, और वेसल के थ्रू हम इसको चेन्नई पोर्ट पे पहुंचाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मुंबई में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है और हम उस गुड्स को वेसल के थ्रू चेन्नई पोर्ट पे पहुंचाना चाहते हैं। मुझे बताइए क्या इन गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लेवी होती होगी क्या? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं होगी भावना? मैम क्योंकि ये इंपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है इंडिया का। इंडिया हो ही नहीं रहा है, मींस दीज आर नॉट चार्जेबल टू कस्टम ड्यूटी, है ना, ऐसा कह दो। यस मैम, है ना। तो अभी क्या बोलेंगे? पानी में तैरते हुए, पानी में तैरते हुए ड्यूटी पेड गुड्स, या ऐसे गुड्स जो कि नॉट चार्जेबल टू कस्टम ड्यूटी है। पानी में तैरते हुए ऐसे गुड्स जो कि या तो ड्यूटी पेड है, मतलब जिन पे कस्टम ड्यूटी पे हो चुकी, या विच आर नॉट चार्जेबल टू कस्टम ड्यूटी, जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगनी ही नहीं चाहिए, जैसे मुंबई में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इन गुड्स को हम कस्टम लॉ के शब्दों में कहते हैं कोस्टल गुड्स। मतलब क्या कोस्टल गुड्स को हम इंपोर्टेड गुड्स कह सकते हैं क्या? नहीं। नो मैम। कोस्टल गुड्स पे या तो ड्यूटी पे हो चुकी है या ड्यूटी चार्जेबल होती ही नहीं है, ठीक है। और उनका ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में ही एक पोर्ट से अनादर पोर्ट होता है। तो कोस्टल गुड्स को क्या कह सकती हूं? लिख लीजिए, पानी में तैरते हुए। कहां तैरते हुए? इंडिया में। इंडिया में पानी में तैरते हुए ड्यूटी पेड गुड्स या नॉट चार्जेबल टू कस्टम ड्यूटी, हम इन्हें कहेंगे कोस्टल गुड्स। कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। नो मैम। ठीक है, चलिए। तो ये हुआ हमारा। मैम। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम ये कोस्टल गुड्स में ड्यूटी पेड कब होगी? ड्यूटी पेड गुड्स कब होंगे वाले? होते ही ड्यूटी पेड हैं। हाँ मैम, ड्यूटी पेड कौन से गुड्स होंगे इसके अंदर? इसके अंदर जो ड्यूटी पेड जिन पे गुड्स पे नहीं होगी वो वाले गुड्स आएंगे ना कोस्टल गुड्स में? तो वापस बोलो आयुष, क्या बोल रहे हो? मेरे को तो आपकी क्वेरी नहीं समझ आई, वापस बोलो। आयुष वापस बोलिए, मुझे नहीं समझ में आप क्या पूछ रहे हैं।
अभी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप पूछ लीजिएगा वापस दोबारा से। ये तो हुई थी हमारी इंपोर्ट प्रोसीजर की बात, अब हम करेंगे हमारे एक्सपोर्ट प्रोसीजर की बात। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर की बात। थर्ड चैप्टर पे बात, थर्ड चैप्टर पे इंपोर्ट प्रोसीजर था, वहीं पे एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी है। चलिए, स्टार्ट करें। अभी हम क्या करना चाहते हैं, अभी हमने इंपोर्ट प्रोसीजर की बात की और हमने इंपोर्ट के प्रोसीजर को समझा कि कैसे गुड्स इंपोर्ट होता है, पोर्ट पे आएगा, उसके बाद ड्यूटी पे होगी और गुड्स को क्लियरेंस ऑर्डर मिलेगा। अभी हम क्या करना चाहते हैं, गुड्स को इंडिया में लाना नहीं चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, पेज नंबर 192-193 पे हम पढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से गुड्स को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, है ना, इंडिया से हम गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अब ये हमारा इंडिया और ये हमारा हो गया TWI। केवल समझने के लिए ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंपोर्ट के प्रस्पेक्टिव पे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट क्योंकि हमको इंपोर्ट के प्रोसीजर को समझ में आया, हमने हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हुई, तो इसी तरीके से हमें एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी समझने की ज़रूरत है। ये हुआ हमारा मुंबई कस्टम पोर्ट और ये हमारा कस्टम एरिया। इंडिया में मान लीजिए एक गुड्स मैन्युफैक्चर होता है और ये जो मिस्टर बबलू हैं ये क्या करना चाहते हैं, ही इज अ एक्सपोर्टर और गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी फैक्ट्री से ट्रक में माल, अपनी फैक्ट्री से ट्रक में माल लादेंगे, लोड करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, मुंबई कस्टम पोर्ट पर ले जाएंगे। ठीक है, अभी बताइए यहाँ पे इनको गुड्स को बाहर निकालना है या पोर्ट पे अंदर डालना है? पोर्ट बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, सॉरी पोर्ट के अंदर, पोर्ट के अंदर डालना है। हाँ, इनको क्या करना है, गुड्स को एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे कस्टम की कस्टडी से माल लेना नहीं है, यहाँ पे हमें कस्टम की कस्टडी में माल को देना है, क्योंकि हम गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इसका मतलब ऐसा नहीं आपने अपनी एक बोट उठाई और निकल गए मलेशिया की तरफ, मालदीव की तरफ, चाइना की तरफ कि भाई मैं ही छोड़ आऊंगा माल, नहीं। जब हम गुड्स को इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें हमें ऑथराइज रूट को ही फॉलो करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि जब आप पड़ोसी के घर के अंदर घुसना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं, तो ड्राइंग रूम के गेट से डोरबेल बजा के जाइए। अगर छत पे गए, पीछे कूदे और फिर खिड़की से अंदर घुसे तो आपको चोर समझा जाएगा। इसी तरीके से आप किसी, आप कहीं पे हैं और आप वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि छत पे जाएंगे और छत से छलांग मारेंगे। अगर ऐसा करेंगे बाहर निकलने के लिए तो आपको क्या समझा जाएगा, चोरी करके भाग रहे। ठीक है, तो तरीका क्या होता है बाहर निकलने का, लीगल वे में, हाँ, आराम से जाइए, बताइए, डोरबेल, डोर ड्राइंग रूम का गेट खोली और फिर बाहर आइए। ऐसा नहीं कि खिड़की से कूदे, छत पे गए और वहां से छलांग मार ली, नहीं। तो ऑथराइज रूट फॉलो करना पड़ेगा। अभी इस पर्सन को क्या करना है, अपने गुड्स को इंडिया से बाहर भेजना है, तो इसको पोर्ट पे जाना है। अब क्योंकि माल को क्लियरेंस नहीं करना है, माल को बाहर लेके जाना है, तो इसको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड शिपिंग बिल, है ना। ये होगा वेसल एयरक्राफ्ट के केस में, और व्हीकल के केस में होगी बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, जब आप शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉपर ऑफिसर को देंगे, इसका मतलब
आप अपने गुड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, यानी सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्ट के पर्पस से फाइल किया जाता है, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड शिपिंग बिल। देखिए एक बात और ध्यान से सुनिएगा, इंपोर्ट के समय पे जो हम एंट्री फाइल करते हैं उसे कहते हैं बिल ऑफ एंट्री, और एक्सपोर्ट के समय पे जो हम एंट्री फाइल करते हैं, ठीक है, हम उसे कहते हैं एंट्री मतलब डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं ना, डॉक्यूमेंट, उसको कहते हैं शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। यहां पे आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हो, डिटेल देते हो कि मुझे मेरा माल छुड़वाना है, यहां पे एक्सपोर्ट के टाइम पे आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हो कि मुझे मेरा माल इंडिया के बाहर भेजना है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर ऑफ एनी गुड्स, क्या लिखा है, एक्सपोर्टर ऑफ, सबसे पहले सेक्शन 50, एक्सपोर्टर ऑफ एनी गुड शैल मेक एंट्री देयर ऑफ, एंट्री देयर ऑफ मतलब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली प्रॉपर ऑफिसर को, ठीक है, वो क्या होगा, शिपिंग बिल वेसल एयरक्राफ्ट के केस में, और बिल ऑफ एक्सपोर्ट व्हीकल के केस में, लैंड के केस में, ठीक है। कमिश्नर ऑफ कस्टम्स चाहे तो कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन को वेव ऑफ कर सकता है, अदरवाइज जैसे बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है, शिपिंग बिल भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा, ठीक है। अब जब आप शिपिंग बिल फाइल करोगे, जैसे ही आप शिपिंग बिल फाइल करोगे, प्रॉपर ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाइड हो गया कि जो गुड्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो प्रोहिबिटेड नहीं है, वो क्या नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है, और अगर कोई ड्यूटी कोई चार्जेस वगैरह बनते हैं वो आपने पे कर दिए हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या देगा, क्लियरेंस ऑर्डर। यहां पे क्लियरेंस ऑर्डर किस लिए मिल रहा है, माल को छुड़वाने के लिए या माल को कस्टम की कस्टडी में डालने के लिए, माल को कस्टम कस्टडी में डालने, माल को कस्टम की कस्टडी में डालने के लिए प्रॉपर ऑफिसर आपको क्लियरेंस ऑर्डर देगा, ठीक है। अभी जा सिमरन जीले अपनी जिंदगी नहीं, आ सिमरन जीले अपनी जिंदगी, अभी कस्टम की कस्टडी में गुड्स को हमें लेके जाना है, तो प्रॉपर ऑफिसर हमें यहाँ पे क्या देगा, क्लियरेंस ऑर्डर देगा, ठीक है। क्लियरेंस ऑर्डर दे दिया, क्लियरेंस ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब क्लियरेंस ऑर्डर देने के बाद जब हमें क्लियरेंस ऑर्डर मिल गया, तो एक बात बताइए, क्लियरेंस ऑर्डर मिल गया, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, माल को लोड करना है ना, अब माल को लोड करना है, क्योंकि क्लियरेंस ऑर्डर मिलने का मतलब अब गुड्स कहां रख सकते हो, आप कस्टम एरिया में गुड्स को रख सकते हो। इंपोर्ट के टाइम पे कस्टम एरिया से माल को छुड़वाना था, एक्सपोर्ट के टाइम पे माल को कस्टम एरिया में रखवाना है, कस्टम एरिया में गुड्स को हमने रख दिया, अब क्या होगा, माल की लोडिंग करनी है, कस्टम की कस्टडी में माल रखा हुआ है, क्या प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन के बिना माल को लोड कर सकते हो क्या, नो मैम। तो इंपोर्ट के टाइम पे हमने कौन सी परमिशन ली थी, अनलोडिंग की परमिशन, और एक्सपोर्ट के टाइम पे हम कौन सी परमिशन लेंगे, लोडिंग करने की, लोडिंग की। अनलोडिंग की परमिशन को क्या कहा था, एंट्री इनवर्ड, और लोडिंग की परमिशन को क्या कहेंगे, एंट्री आउटवर्ड। ये एंट्री आउटवर्ड कौन देगा, प्रॉपर ऑफिसर देगा, ठीक है। और जैसे ही एंट्री आउटवर्ड मिलेगी, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, एंट्री आउटवर्ड मिलेगी क्या कर सकते हैं, अब मास्टर ऑफ वेसल क्या करेगा, माल अपने वेसल में लोड कर लेगा, ठीक है। लेकिन बैगेज और मेल बैग्स के केस में हमको सामान, और चिट्ठी पत्री के केस में हमको एंट्री आउटवर्ड नहीं चाहिए, वो बिना परमिशन के भी आप लोड कर सकते हो, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, हमने शिपिंग बिल भरा, शिपिंग बिल भरने के बाद हमें क्लियरेंस ऑर्डर मिला, क्लियरेंस ऑर्डर मिलने के बाद में हमने क्या ले ली, एंट्री आउटवर्ड, यानी एंट्री आउटवर्ड लेते ही अब माल किसकी कस्टडी में आ गया, कस्टोडियन की कस्टडी में पड़ा है या पर्सन इन चार्ज के पास आ गया, पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज, ठीक है।
आने से पहले आने की सूचना देते हैं, अब जाने से पहले जाने की सूचना देंगे। अब इसे उससे कि हमने क्या कहा था, अराइवल मैनिफेस्ट, और इसे क्या कहेंगे, डिपार्चर मैनिफेस्ट। अब इसे क्या कहेंगे हम, डिपार्चर मैनिफेस्ट, जाने से पहले जाने की सूचना। जैसे अराइवल मैनिफेस्ट में हमने सारी इंफॉर्मेशन दी थी, अब जाने से पहले जाने की सूचना। ठीक है, कौन फाइल करेगा अराइवल मैनिफेस्ट, कौन फाइल करता था अराइवल मैनिफेस्ट, कौन फाइल करता था, पर्सन इन चार्ज। तो डिपार्चर मैनिफेस्ट भी कौन फाइल करेगा, पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज फाइल करेगा। ठीक है, तो पर्सन इन चार्ज बिफोर डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस फ्रॉम कस्टम स्टेशन डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, या एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट वेसल एयरक्राफ्ट के केस में, एक्सपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल के केस में। लेकिन अब इन सबको क्या कह देते हैं हम, डिपार्चर मैनिफेस्ट। ठीक है, अच्छा अराइवल मैनिफेस्ट को साइन कौन करता था, अराइवल मैनिफेस्ट को साइन कौन करता था, हु साइंस द अराइवल मैनिफेस्ट, बताओ, कोई भी नहीं है बताने वाला, प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर कैसे करेगा, जो एग्जाम आप दोगे तो एग्जाम में लिखी बातों की, आंसर शीट में लिखी बातों की जिम्मेदारी किसकी, आपकी या एग्जामिनर की। मैम इंपोर्टर साइन करता था, इंपोर्टर साइन करता था, इंपोर्टर तो बैठा है बेचारा अपने घर में, वो कहां से साइन करेगा अराइवल मैनिफेस्ट को। अराइवल मैनिफेस्ट तो वेसल अराइवल के पहले फाइल होती है, वो इंपोर्टर तो बेचारा अपने घर में बैठा हुआ है। रेवेन्यू ऑफिसर मैम, जो वेसल के पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज, हां पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज फाइल करता था। तो यहां पे डिपार्चर मैनिफेस्ट को भी कौन साइन करेगा, पर्सन इन चार्ज साइन करेगा। यानी डिपार्चर मैनिफेस्ट में लिखी बातों की जिम्मेदारी किसकी, पर्सन इन चार्ज की। ठीक है, पर्सन इन चार्ज वही उसमें लिखी डिक्लेरेशन और ट्रूथफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, और अगर उसमें कुछ गलती है तो पर्सन इन चार्ज प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन से उसे ठीक भी कर सकता है। अब जैसे ही डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल कर दिया, जाने से पहले जाने की सूचना दे दी, अब वेसल इंडिया के बाहर प्रोसीड कर सकता है या नहीं कर सकता है, बताइए। अब वेसल चले या रुका रहे पोर्ट पे अभी भी, अब कुछ बाकी रह गया क्या, शिपिंग बिल फाइल कर दिया, क्लियरेंस ऑर्डर लेके कस्टम की कस्टडी में माल रखवा दिया था, एंट्री आउटवर्ड करके लोडिंग करवा दी, डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल कर दिया, अभी कुछ बाकी है या चलें इंडिया से, टाटा बाय बाय कर दें, कर लेते हैं टाटा बाय बाय कर लेते हैं। नाउ अब वेसल क्या करेगा, जाएगा और TWI को क्रॉस करेगा। जैसे ही वेसल ने TWI को क्रॉस कर दिया, हम क्या कहेंगे, गुड्स एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट। हाँ, यानी गुड्स कब एक्सपोर्ट माने जाते हैं, जब वेसल टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को क्रॉस कर जाएगा। और जब तक वेसल टेरिटोरियल ऑफ वाटर ऑफ इंडिया को क्रॉस नहीं करता, तब तक हम एक्सपोर्ट को कंप्लीट नहीं मानते। बात समझ में आ गई, कुछ yes, ma'am. कुछ डाउट है, नो मैम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, और ये आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में। एक सेकेंड ना, आप होल्ड करें एक ही मिनट के लिए। आउटपुट
हाँ, तो ये हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर हुआ। इस एक्सपोर्ट प्रोसीजर को समझने में किसी को कोई डाउट है क्या, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलिए। कोई हाँ बोलो, हेलो, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, एक मिनट में क्लास ओवर कर रही हूँ, फिर बात करती हूँ। अच्छा, तो है ना, आज के लिए इतना ही। और ये आप बेसिक वाले चैप्टर में एक बार क्लास ओवर करने से पहले ये पढ़ लीजिए तीनों, ये तो फिर वो रह जाएगा। ठीक है, ये पढ़ लिया आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है। इन तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट है तो पूछो। तो शैल आई एंड द क्लास? अभी